नाजरिन एगराम क़दर असलकुम वक मैं हूँ आपका मेज़बानसार अज़ीस नदवी और आप इस वक्त सीधी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुर्कान की एक सौ बहत्तरवीं क़स्त महजा फरमा रहे हैं नाजरीनगरामी सुर बकर आज हम दो आयतें यानी आयत नंबर दो सौ नौ और दो सौ दस की तफसीर पेश करेंगे आयत की तिलावत और इसका उर्दू तर्जुमा سب سے پہلے کر لیتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور यानी फिर अगर तुम रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी राय हक़ से फिसल गए तो जान लो कि अल्लाह ताला सब पर गालिब और हिकमत वाला है यहूद किसी बात के मंतज़र नहीं मगर ये कि अल्लाह त फरिश्ते बादलों के साय में उनके पास आए और मामले का फ़ैसला कर दिया जाए अजाब इलाही उन पर मुसलत हो जाए और तमाम मामला तो अल्लाह ही की तरफ़ लौटाए जाते हैं नाजन गिरामी फ़रमाया गया फ़ैन जलल तुम मम्बाअि मा जाअकुमलब इनात अज़ीज़ुन हकीम यानी फिर अगर तुम रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी राय हक से फिसल गए तो जान लो कि अल्लाह ताला सब पर गालिब और हमत वाला है फ़ैन के माने आते हैं पस अगर जलल तुम तुमने लग्जिश की फिसल गए बहक गए गुमराह हुए चारों माने कर लें मिम्बादी उसके बाद के और माँ कुम के मान्य आते हैं आए तुम्हारे पास अलबकीनात रोशन दलाइल फ़ाल और जान लो पस जान लो अन्नल्लाह के मान्य आते हैं बिला शुबा अल्लाह अजीजुन गालिब है या कादिर है हकीम के मान्य आते हैं हकीम और दाना इसका कोई हिकमत और दानाई से खाली नहीं इसका कोई काम हमत और दानाई से खाली नहीं मुखालफी दीन को सज़ा देने पर कुरत रखता है हकीम है उसका बदला हमत पर मबनी है मौलाना अब्दुलरमान कीलानी लिखते हैं यानी इस्लाम की इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में हकाम आ जाने के बाद तुम इस्लाम में पूरी तरह दाखिल ना हुए और दुगली पॉलिसी इख्तियार की और जिन अहकाम पर चाह कर लिया और जहाँ कोई बात तबीयत को नागवार महसूस हुई या किसी नुकसान का ख़तरा महसूस हुआ वहाँ अपनी मर्जी कर ली और इस्लाम के अहकाम को पसे पुष्ट डाल दिया तो खूब समझ लो कि अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है वो तुम्हें सज़ा भी दे सकता है जलील खार भी कर सकता है और दुनिया की हुक्मरानी तुम्हारे सिवा किसी दूसरे को भी दे सकता है अब वह मोहम्मद बिन अहमद अलंसारी कुरतबी लिखते हैं अब्यनाज से मुराद आयात कुरानी भी हैं और वो मोजात भी जो अनफस आफाक में फैले हुए हैं और ये किताब जहाँ मुसलमानों का है वहाँ अहली किताब को भी है क्योंकि उनकी कुतुब तौरात इंजील में ख़ातमनबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ़ व तोसीफ़ आ चुकी है इस आयत मुबारक से ये बात भी वाज़ हो जाती है कि हक जानने वालों की सज़ा ना जानने वालों से कहीं ज़्यादा है फिर आगे फ़रमाया गया हलयजुरूनाती हमल्ला फ़ीजुलमामी वलमलायतु वज़ीम वजर यानि यहूद किसी बात के मुंतज़र नहीं मगर ये कि अल्लाह त फ़रिश्ते बादलों के साय में उनके पास आएँ और मामले का फ़ैसला कर दिया जाए यानि अदाब इलाही उन पर मुसलत किया जाए और तमाम मामला तो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं हल के माने आते हैं यहाँ पर ये यह इज्तिया नहीं बल्कि जब इल्ला के साथ आता है तो ये नफ़ी का मानी देता है यानी नहीं के माने में आता है यंजुरु ना वो इंतज़ार करते हैं ये माने कर लें या वो देखते हैं इल्ला के माने, मगर अन ये के या अति आए उनके पास अल्लाह ताली फ़ी जुल्ल सा साए में जुलल वो शय जिससे साया हासिल किया जा सकता है साइबान मिनल गमामी के माने बादलों के गमामा अबर बादल जब बादल बहुत घना या थक हो तो वो साइबान की तरह हो जाता है जिल्ला के माने आते हैं ये लफ्ज़ कुरान हकीम ज़्यादातर इस्तेमाल अजाब के लिए आया है जैसा कि छब्बीसवीं सूरह सूरत की आयत नंबर एक सौ उनासी में फाखज़ अजाब यौम जुल्ला यानि साय वाले दिन अज़ाब ने उन्हें आग पकड़ा और उनतालीसवें सूर ज़ुमर की आयत नंबर सोलह में भी फरमाया गया लहमिन फ़ोक हम नारी व मिन जुलल ुलनि उन अहले जहन्नम के ऊपर भी आग के साहिबा होंगे और नीचे भी मलाइका के माने आते हैं और फरिश्ते भी आएँ और वजियमरू के मान और पूरा कर दिया जाए किसी हुक्म का फ़ैसला किया जाए या मामिला अजाब लाया जाए तुरजाउल उमूर और तरफ अल्लाह के लौटाए जाते हैं सब मामिलात यानी तमाम उमूर के फ़ैसले बारगाह इलाहीहि ही से जारी होते हैं अल्लाह ताला और फरिश्तों के आने से मुराद अल्लाह ताला का हुक्म और अज़ाब का आना है जैसा कि उनसाठवीं सूरह हशर की आयत नंबर दो में इरशाद फरमाया गया मिन वताई लम यहतसिबू यानी बस अल्लाह ने ऐसे रुख से उन्हें आ लिया जिसका उन्हें ख़्याल भी न था फिर एक और मकाम यानी सोलि सुर नहल की आयत नंबर तैतीस में बिर शाद हुआ कि हल हलून अमर वबिक यानी वो सिवाय इसके और कुछ इंतज़ार नहीं करते कि उन पर फरिश्ते आ जाए या तेरे रब का हुक्म आ जाए मौलाना अब्दरहमान कीलानी लिखते हैं यानी इसी निशानी के इंतजार में ये लोग बैठे हैं कि आज़ाब आ जाए या, यानी ऐसी निशानी के इंतजार में जिससे उन्हें कतली और हतमी तौर पर बात का यकीन आ जाए ऐसा यकीन जैसे हर इंसान को यकीन है कि उसे मौत के मौत आके रहेगी तो उसे खूब समझ लेना चाहिए कि जब ऐसी निशानी आ जाएगी तो फिर ईमान लाने की कुछ क़द्र क़ीमत नहीं होगी ईमान लाने की कदर और कीमत तो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कि उमूर गैब जो उस उसाहरी से पोशिदा हैं दरअसल राय को जान पहचान कर इससे रोगरदानी करना नाकबिल माफी जुर्म है ये बगावत और सरकशी का रास्ता है राय हक को पाने के लिए अल्लाह ताला ने अम्ब्याल सलात वाम को रोशन दलाइल के साथ मुख्तलिफ़ कौमों और इलाक़ों में भेजा और ख़ातुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल वसलम को अफुरान देकर नस्ल इंसानी के लिए मकूज फरमाया इस किताब के अंदर रोशन आयात हैं और नबी करीम की हयात तय्यबा उन आयात का अमली नमूना है इस सदाकत को अहली किताब ने भी पहचान लिया था मगर महज़ तसब और हटदर्मी से मुंह मोड़ा जो यकीनन गलत रविश है नंबर तीन ये कि इंसान का शर्फ उसी में है कि फ़िक्री व नजरी अकली व नकली दलाइल देख कर हकीकत को कबूल करे और फिर आउनीत की राह तर्क कर दे कि जिसने ज़िंदगी में आना रबुकम आला का ऐलान किया मगर जब वह जबिलही का शिकार हुआ और रबीर के हुक्म से पानी में गौते खाने लगा तो बोल उठा अला सिर्फ वही है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं उसका फरमाबरदार बनता हूँ अल्लाह ताला ने दसवीं सूरत की आयत नंबर इक्यावे और बानवे में भी फरमाया जिसका तर्जुमा है यानी अब तो ईमान लाता है जबकि पहले नाफ़रमानी करता रहा और मुफसद बना रहा आज तो हम तेरी लाश को बचाएंगे, ताकि तू तो बाद में आने वालों के लिए निशान इबरत बने मालूम हुआ कि ईमान वही फ़ायदा देता है जो सेहत वाफियत और अमन व सलामती में कबूल किया जाए ना कि दम उखड़ने पर कबूल किया जाए इंसान के गौर वफ़िक्र के लिए मौत हयात जवानी और बुढ़ापा काबिल गौर बातें हैं अगर कोई हयात यानी ज़िंदगी का मुनकिर है कि रब कायनात का अतिया है तो मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार कट्टर से कट्टर मुनकिर भी नहीं कर सकता लाजिमन उसे मानना पड़ेगा कि अजीम व बरतर मालिक के हाथ में है इसी तरह कोई जवानी में दीवानगी का शिकार हो जाए और अक्ल व शऊर से काम न ले तो ये उसका लाओबालीपन है मगर बुढ़ापे से कौन इनकार कर सकता है इस कमज़ोरी और बेबसी के हालत में किस जात ने उसे पहुँचाया बस अल्लाह की ये बनाई हुई कायनात से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं और कामयाब होते हैं जो अकलो फिक्र से काम लेते हैं और जो ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं और गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं नाकाम हो जाते हैं वैकैफ़ नाजनिकगराम हमारा वक्त यहाँ पर हो चला है हमें इजाज़त है इनशा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी वाली वरह वक़ा